चॉकलेट फैब इन यमी चॉकलेट एंड वनीला क्रैम। अरे बच्चों, खन्ना साहब, मैडम ने आपके लिए नाश्ता भेजा है। अरे वाह। खन्ना साहब, ये अलार्म क्लॉक को रिस्ट वॉच बनाकर क्यों पहना है? प्लम्बर को बुलवाना पड़ेगा, नाली ब्लॉक है ये, ऐसी वैसी नहीं, स्पेशल क्लॉक है। ठोको ताली। ठोकेंगे, पर पहले ये तो बताइए इसमें स्पेशल क्या है? ओ यार, ये चाचा जी ने बनाई है, इससे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, और उन्होंने मुझे ये संभालने के लिए दी है। दिखाइए दिखाइए। ओए रुको यार, अरे ये बहुत नाजुक और जरूरी वॉच है, रुक जाओ, हमें भी देखना है। ओए रुको यार, वो देखो गुरु, ये खिलौना नहीं है, टाइम ट्रेवल बहुत सीरियस चीज है। हम भी तो सीरियसली ही देखना चाहते हैं। ओए टूट गई। ओए, अरे घड़ी टूट गई, गोपियों की मटकी फूट गई, घड़ी नहीं यार, मेरी पीठ टूट गई। रुकिए, हम आपकी हेल्प करते हैं। हाँ। क्या हो रहा है? खन्ना साहब, आपकी घड़ी में बिजली क्यों कड़क रही है? लगता है खराब हो गई, मैं ठीक कर सकता हूँ। और तू रहने दे गुरु, कोई उल्टा सीधा बटन दब गया तो दूसरे युग में पहुँच जाएंगे। पहुँच जाएंगे नहीं, पहुँच गए हैं। कोई शक? ये टाइम क्लॉक नहीं, मैजिक क्लॉक है। देखिए, आपके घर को हवेली बना दिया। घर को हवेली नहीं बनाया है, हम हवेली में ही है, वो भी मुगलों के टाइम की। चलो यहाँ से जल्दी निकले। अरे यार, जब आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। ठीक है, पर जल्दी निकलते हैं। वाव, कितना सुंदर महल है। वाव, बहुत बढ़िया, कितना बड़ा है। हैं? ये कौन है? वाव, लगता है कोई आ रहा है। वो देखो। ओ नहीं, ये मिर्जा गाफिल है, 18 सेंचुरी के बहुत बड़े शायर। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और इनसे मिलना भी चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं? इन कपड़ों में देख लिया तो आपको फैन से लटका देंगे। इस टाइम में फैन नहीं होते थे, कोई शक? अलाव जलाकर हाथ सेकने तो दो, मिल नहीं सकता, कम से कम देखने तो दो। अरे वो इधर ही आ रहे हैं, छुप जाओ। सर्द हवाओं का मौसम है, बेदर्द फिजाओं का मौसम है, हम भी थोड़ा सुकून ले लेंगे, इस बार दुआओं का मौसम है। वाह मियाँ, ये दाद किसने दी? तारीफ सुनने की इतनी आदत पड़ गई है कि लगता है हमेशा तारीफ हो रही है। नए शेर कमाल के हो गए हैं, आज मुशायरे में बादशाह नजर खुश हो जाएंगे। यहाँ पे मुशायरा होने वाला है। होने दीजिए, आप बटन दबाइए और वापस घर चलिए। अरे गाफिल साहब गजल पढ़ेंगे, और गुरु मुझे इस मुशायरे में हिस्सा लेना है। पकड़े जाएंगे खन्ना साहब। नहीं पकड़े जाएंगे गुरु, हम इस जमाने के कपड़े पहनकर चलेंगे। इन्होंने हमें बर्बाद करने का पूरा प्लान सोच रखा है, कोई शक? एक लीटर की बोतल 5 सेकंड में भरनी है, इस मुशायरे में तो मुझे भी शायरी करनी है। ठीक है, लेकिन शायरी खत्म होते ही निकल जाएंगे। खन्ना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भेष बदलना होगा। आइडिया। बादशाह नजर पड़ा रहे हैं। मुशायरा शुरू किया जाए। Fab in yummy chocolate and vanilla cream.
इतनी लाइट है फिर भी इन्हें पढ़ने के लिए मोमबत्ती की जरूरत पड़ रही है। गधे, इसे शमाए महफिल कहते हैं। ये जिसके सामने रखते हैं वो शेर सुनाता है। अरे यार, जहाँ शमा रखना है रखे, बस जल्दी से खन्ना साहब शायरी करें और हम यहाँ से चलें। अगर इन्हें अपनी शायरी का फैन बनाना है तो बीच बीच में अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। एक ताजा गजल के कुछ शेर पेश करते हैं। खुशबू हरसू हुई जमाने के बाद, उनसे गुफ्तगु हुई जमाने के बाद। वाह वाह, क्या शेर है। उनसे गुफ्तगु हुई जमाने के बाद, दूध की दुकान है किराने के बाद। ठोको ताली। और हमको जेल भिजवाएंगे मुशायरे के बाद। ढूंढते थे जो कहानी एक जमाने से, आज रूबरू हुई जमाने के बाद। वाह वाह, बेहतरीन मुकर्रर। वाह वाह, क्या शेर है। आज रूबरू हुई जमाने के बाद, मैं अंगड़ाई भी लेता हूँ वासी के बाद। तो मैं आवाज देता हूँ हम सब के अजीज शायर गाफी मियां को। ये खन्ना साहब का नंबर कब आएगा? शुक्रिया, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं कब कौन सा कमाल का शेर पढ़ दूं मुझे ही पता नहीं चलता। उसे गजल कहता है जमाना कभी कभी, मैं जो दिल की बात कहता हूँ यूं ही कभी कभी। और पेट दुखता है जब खुराक में लेता हूँ बिरयानी कभी कभी। ये क्या कह रहे हैं? सारे शहर से पूछता हूँ खैरियत मैं आपकी, आकर के मेरा हाल भी पूछो कभी कभी। वाह, हासिले गजल शेर है। आकर के मेरा हाल भी पूछो कभी कभी, पॉपकॉर्न के बाद खाओ नेचोस कभी कभी। अरे यार, जब तक खन्ना साहब शेर नहीं सुना देते ये यहाँ से जाएंगे नहीं, हम कहीं पकड़े ना जाएं। शमाए महफिल अब उस शायर के पास जा रही है। तो अब मैं दावत देता हूँ। दावत देनी है तो घर ले जाकर दीजिए, अब ये मोमबत्ती खन्ना साहब के पास जाएगी। कौन है ये गुस्ताख? गुस्ताख नहीं, हनी हूँ। हुजूर अल्लाह, जनाबे अली, ये नए शायर खन्ना साहब बहुत अच्छे हैं, हम इन्हें सुनने आए हैं। हनी उद्दीन की गुस्ताखी माफ हो। माफ कर दिया। हमारे दरबार में हर किसी को मौका मिलता है, नए शायर अपना तारुफ दो। जिस पर सब इल्जामात लगा दे उसे शहंशाह खास कहते हैं, बंदे को चाहने वाले खन्नाए खास कहते हैं। ठोको ताली। सुनो खन्नाए खास, सौफ से बनी मुखवास, बंद करो अपनी बकवास और शेर पढ़ो। मुझे रूह ए जख्म मिटाने का मौका मिला है, मैं खुश हूँ, एक ही ओवर में छक्के के साथ चौका मिला। आज ये कैद खाने में डलवा कर ही रहेंगे, कोई शक लगा के वो आतिश बस्ती के बीच में साहब। क्या मिश्रा है, लगा के आतिश वो बस्ती के बीच में साहब। लगा के वो आतिश बस्ती के बीच में साहब, कभी वो आलू तो कभी भुट्टे सेका करते हैं। पहाड़ों में दूर बजती कहीं शहनाई है, पकोड़े डालकर बीजी ने कढ़ी बनाई है। ठोको ताली। एक और ताजा शेर बन पड़ा है, कोई शेरों का बादशाह तो कोई गजल का राजा है, पानी में छींटे मारो तो सब्जी लगती ताजा है। ठोको ताली, ठोको ताली, खटा। ये मुशायरे की तौहीन कर रहा है, इसे पकड़ के कैद खाने में डाल दिया जाए, गिरफ्तार कर लो इसे। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर मजाकिया शायरी भी एक हुनर है और ये उसके बादशाह है। नहीं, ये बेहुदा शायरी है, कैद करो इस गुस्ताख को। खन्ना साहब भागिए। हुजूर, गलती माफ करें, रुमाल से मुंह साफ करें। वाह, ऐसी हालत में भी शायरी, हम खुश हुए, ये हमारी तरफ से आपको।
थैंक यू खन्ना साहब। भागिए। हम यहाँ भाग क्यों रहे हैं? घड़ी है ना, वापस चलो। ये गधा हमेशा बुरे वक्त में काम आता है। बेशक खन्ना साहब, घड़ी का बटन दबाइए। बाल बाल बचे। ओए गुरु, मुझे वहीं छोड़ के आना चाहिए था। क्यों? गाफिल साहब मेरे फैन हो गए, मुझे टोपी भी गिफ्ट की है। मैं वहाँ होता तो धीरे धीरे सबको अपना फैन बना लेता। वहाँ रहते तो बादशाह फैन बनाकर छत से लटका देते। कोई शक? चलो ठीक है, कम से कम मैंने वहाँ अपने शेर तो सुना दिए और ये गाफिल साहब की टोपी भी मिल गई। छुट्टी भाई, मेरा डायनासोर से मिलने का मन हो रहा है, चले वहाँ पे। नहीं। ओ गिरधारी लाल, मैं शहर में एक मकसद से आया हूँ। यहाँ बहुत भोले वाले जानवर है और मैं उनके भोलेपन का फायदा उठाऊंगा यार। जानवरों की आवाज पर अपना कब्जा कर लूंगा और जब वो अपनी आवाज निकालेंगे मैं उनसे पेनाल्टी लूंगा। चीतम नाम है मेरा, चीटिंग करना काम है मेरा। ओए तुम्हारी आवाज पर हक है मेरा यार। हाथी, आज का मेरा पहला शिकार। हेलो, जरा अपने ट्रंक की सुरीली आवाज तो सुनाना। लगता है मेरे सिंगिंग का फैन है। अभी लो, अभी लो। ये लो, हो गया रिकॉर्ड। वो गिरधारी लाल, आज से तुम्हारी ये सिग्नेचर चिंगार मेरी हुई। ओए कंप्लीट द फॉलोइंग खेलते हैं। ओ पापा पी पी आगे, ये तुमने कर दिया पूपू, अब निकालो पेनाल्टी। ओ लाओ लाओ। ओ क्या बेवकूफ आती है, मैंने बोला और ये मान भी गया। यस, मेरे आंखड़ा खुड़ी तो बांध देना रह गया था, अभी दे देता हूँ। ओ बनवारी लाल, ओ मैंने तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड कर ली है, अब उस पे मेरा हक है। मैंने गलत किया क्या? हाँ, तुम्हारी हाँ भी रिकॉर्ड कर लिया है, एडिट में सवाल डाल दूंगा। तुम्हारी आवाज पर मेरा हक है? हाँ। देखा, तुमने हाँ बोल दिया। अरे नहीं, वैसे मैं बहुत दिनों से बांग देने की प्रैक्टिस कर रहा था, वो कैसे करते हैं? अरे ऐसे नहीं करते हैं, रुको मैं बताता हूँ। निकालो पेनल्टी, तुमने बांग दे दी ना। लाओ लाओ। बड़े दिनों बाद मूवी देखने जा रहे हैं, मजा आएगा। मूवी का नाम क्या है? हीरो जवान लड़का है, विलन देख के भड़का है। ये कैसा नाम है? नाम पे मत जा, बहुत पंची डायलॉग है इसमें। क्या बात कर रहा है? हाँ, इतने पंची डायलॉग थे कि डायलॉग सुनकर पब्लिक ने थिएटर वालों को गुस्से में आकर बहुत सारे पंचेस मारे। कभी सोचा है पॉपकॉर्न तवे पे उछलता क्यों है? क्योंकि थिएटर में उसका जितना रेट है वो खुशी से उछले गई ना। अरे रास्ते के गड्ढे देखकर। अरे स्कूटर रोक। कैसे रोक दूं? सिग्नल ग्रीन है, रोका तो रेड पे जाता है ना। अरे मैं बच गया। अरे सुन तो,
मेरा भाई आया। मैंने बोला कुकड़ुक्कू। फिर पता है उसने क्या बोला? क्या बोला? उसने भी कुकड़ुक्कू ही बोला। कुकड़ुक्कू। ओए, लो कर ली मैंने तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड। अब तुमने एक बार भी कुकड़ुक्कू की ना तो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे? अब बस तुम लोग वो नहीं बोल सकोगे। क्या नहीं बोलेंगे? अरे कुकड़ुक्कू। हाँ, ये की ना तुमने कुकड़ुक्कू। अब चलो निकालो पेनल्टी। पेनल्टी के लिए तो कुछ भी नहीं है, हमारे अंडे चलेंगे। अरे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। मुशायरे में शायरी सुनकर क्या कहते हो? बाओ बाओ बाओ। तुमने भौंक भी दिया और मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। फिर से भौंकोगे तो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। वैसे आजकल मार्केट में प्याज का क्या बढ़ गया है? कर दी ना गलती, अब निकालो पेनल्टी। किस बात की पेनल्टी? कौन हो तुम? ओ बनवारी लाल, मैं वो हूँ। अरे वो कौन होता है जो सब साफ करता है? क्या? स्वीपर। अरे स्वीपर तो साफ सफाई करता है, लेकिन तुम तो फ्रॉड कर रहे हो। हाँ, अरे मैं भी तो इनकी पॉकेट साफ ही कर रहा हूँ। हुआ ना मैं स्वीपर? अरे कैसी बात करते हो गिरधारी लाल। अरे वो क्या है जो छह से आता है? चोर। अरे नहीं, चीतम। सिर्फ आवाज रिकॉर्ड कर लेने से तुम्हारा उस पर हक नहीं बन सकता, इसीलिए सबको उल्लू बनाना बंद करो। सारे जानवरों की आवाज पर मेरा हक है, जो अपनी आवाज निकालेगा उससे पेनल्टी लूंगा। ये देखो सबूत है मेरे पास। अरे यार ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे वो रिकॉर्डर छीन कर इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं अभी उससे रिकॉर्डर छीनता हूँ। बारिश होने वाली है, सर ढक लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं भीगना। अरे गधे, अप्रैल में बारिश का तेरे चाचा लाएंगे, चल अब पकड़ उसे। अगर रिकॉर्डर नहीं मिला तो हमारी मूवी मिस हो जाएगी। अरे फिल्मी गधे, चीतम सबको झूठे सबूत दिखाकर बेवकूफ बनाता रहेगा। और तुझे मूवी की पड़ी है? मूवी का तो नहीं पता, लेकिन रियल लाइफ में क्लाइमेक्स हैप्पी एंडिंग ही होगा। सिर्फ रिकॉर्डर हासिल नहीं करना है, उसे सबक सिखाकर समझाना भी जरूरी है कि फ्रॉड करना छोड़ दे। चीतम को सबक सिखाने का प्लान है मेरे पास, सब सुनो। A for August. B for Bakra. C for Dechu. अरे वो तो D से आता है। पता है मैडम, लेकिन पढ़ाई के लिए गधापन कैसे छोड़ सकता हूँ। ओ मैडम जी, एक सर्वे के लिए सारे बच्चों से हेलो बुलवाना था। हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चों सब लोग अंकल को हेलो बोलो। हेलो अंकल। वैसे आप सर्वे क्या कर रहे हैं? सर्वे? ओ गिरधारी लाल, सबकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी यार, इसीलिए तो इनसे हेलो बुलवाया। बच्चों, अब तुम्हें अपनी आवाज निकालने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। वो आवाज निकाली तुमने, पेनल्टी दो। मैं तो स्कूल की फीस बोल रहा था मैडम। फीस लो मैडम, फीस। अब तो निकाली आवाज, फाइन दो। मैं तो अपने दोस्त फीस को बुला रहा था। है ओए फीस, फीस। अब तो आवाज निकाली तुमने बनवारी लाल। नहीं, ये तो मेरे साइकिल के पंचर होने की आवाज थी। फीस। ओ गिरधारी लाल, यार यहाँ पेनल्टी लेने के चक्कर में ये बच्चे तो मुझे घन चक्कर कर देंगे यार। ओ बनवारी लाल, कौए की आवाज निकाली और मैंने रिकॉर्ड भी कर ली, अब इस पर भी मेरा हक है। चलो पेनल्टी निकालो। मेरा बेटा खो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। कहाँ हो? कहाँ हो? बेटा कहाँ हो?
ओए गुलजारी लाले, आराम से आ रे। एक तो बिना बताए पास आ गया, एक तो तूने बोतल खोल ली, ऊपर से तूने मुझ पे इंक भी गिरा दी। मैं बस कौवे से पेनल्टी वसूलने वाला था। सॉरी सॉरी, ये पोपट बिल्कुल ध्यान से काम नहीं करता है। ये लो टिश्यू से पोछ लो। अरे ऐसे जब छीनना ही था तो टिश्यू पेपर दिया क्यों? ये टिश्यू पेपर नहीं, डील पेपर है। इसमें लिखा है कि हमारे बीच डील हुई है। ओए कैसी डील है? यही कि तुम्हारी आवाज पे अब हमारा हक है। अब तुम कुछ भी बोलोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। एक वर्ड पे 12 मुक्के और दो वर्ड पे एक मुक्का। दो वर्ड पे एक मुक्का क्यों? वो एक मुक्का हाथी मारेगा। ओ ये तो चीटिंग है। डील तोड़ रहा है, चार वर्ड्स बोले, मारो इसे। हम सबका एक एक वर्ड हुआ, मतलब सबके मिलाकर 12 मुक्के। अरे अरे नहीं, अरे बच्चों क्या कर रहे हो? तुम्हें जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ। सात वर्ड बोला, अब तो पार्टी हो गई, दोस्तों मारो। अब तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ? फिर से बोला एक वर्ड, 12 मुक्के मारो। सभी की आवाजें अपने आप में यूनिक होती हैं। तू उन पर अपना हक नहीं जता सकता चितम। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हमें ऊंट से क्या लेने देना छोटे भाई, वो पहाड़ के नीचे जाए या ऊपर आए। चितम ने तो माफी मांग ली ना। कहावत है गधे। ओके, ऐसी कोई कहावत है जिसमें चितम ने माफी मांगी हो? सॉरी गिरधारी लाल, पुलिस मत बुलाना यार, मत बुलाना। आप लोग जितना चाहे अपनी आवाज निकालो, कोई फाइन नहीं लगेगा। लो पुलिस आ गई। नहीं, अरे मजाक कर रहा था, मजाक करने से आवाज बुलंद रहती है। Oh, 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 oh